पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची से रेप और फिर उसकी जघन्य हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरा देश पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग के साथ साथ आरोपियों को फांसी की मांग कर रहा है। पंजाब की कैप्टन सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के साथ साथ भरोसा भी दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश होगी। लेकिन इस जघन्य कांड पर सियासत भी जमकर हो रही है। हाथरस कांड में बैकफुट पर रहने वाली बीजेपी और इसके नेताओं ने राहुल और प्रियंका पर जोरदार अटैक किया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने को लेकर केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमन ने राहुल और प्रियंका के साथ साथ सोनिया गांधी पर भी अटैक किया है। आपको दिखाएंगे कैसे इस घटना पर वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन पहले देखिए कैसे इंडिया टीवी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ी है और पीड़ित परिवार का इस मामले पर क्या कहना है। होशियारपुर में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी पर बढ़ता जा रहा है लोगों का गुस्सा। जो भी इन्हां दी बच्ची दे नाल दुष्कर्म होया उन्हां दे आरोपियों नूं सजा मिलनी चाहिए, यही मांग है जी साडी पिंड वालों। पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। संतोख है लेकिन फांसी का सजा होना चाहिए। जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों को फांसी पर लटकाने की मांग। उसका पिता अभी खुला घूम रहा है, उनको भी अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द। इंडिया टीवी की टीम जब होशियारपुर में पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो उनका दर्द छलक पड़ा। क्या पता वो किस जन्म का बदला लिया है हमसे, हमने उनके घर में ऐसा क्या कर दिया। हमारी तो ना उनसे कोई दुश्मनी थे ना कोई, पता नहीं अब क्या होगा। साड़ी फैमिली भी पूरी तरह टूट गई सी, बहुत औखा सी संभालना, क्योंकि वो सारे तू लाडली सी, छोटी सी साड़ी भैन, साडा कोई भरा नहीं है, तो भरा समझ के पुत्र समझ के रखिया सी अपा। पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। पिछले 20 साल से ये परिवार होशियारपुर के टांडा में रह रहा है। इसी कच्चे मकान के आंगन में दरिंदगी की शिकार हुई 6 साल की बच्ची खेला करती थी, लेकिन आज परिवार के पास दर्द और उस पिटिया की यादों के सिवा कुछ भी नहीं बचा। बच्ची की बड़ी बहन की शादी 2 महीने में थी, उसके लिए एक ड्रेस उसे दिलवाया था, एक सैंडल दिलवाए थे, वो खुद अपनी पसंद का लेकर आई थी और वही उसे पहनना था, लेकिन वो पहनने के लिए अब यहाँ पर नहीं है। उसी सैंडल को, उसी ड्रेस को उस बच्ची की चिता के साथ अर्पित कर दिया गया। इसके अलावा बच्ची का जन्मदिन अगले महीने था, अगर वो यहाँ पर होती तो अगले महीने बेहद ही शौक से अपना जन्मदिन मनाती। बच्ची के खिलौने यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, क्योंकि 6 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं कि वो बच्ची जो भी दुनिया को जिसने जानना शुरू भी नहीं किया, वो बच्ची इन छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलती थी। ये उसकी गुड़िया छोटी सी डॉल के साथ खेलती थी। आज इस घर में लोगों का मजमा लगा है जो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। मामले ने तूल पकड़ा तो नेता, मंत्री और संतरी सब पहुंचे। हम चाहते हैं कि इस केस में फांसी की सजा हो और ऐसे लोगों को एक मैसेज मिले कि इतना अगर ऐसा काम करोगे तो उसकी सजा ये है, और सरकार इसके लिए कर रही है। डीजीपी साहब ने भी एसएसपी को बोला है, सीएम साहब आप चिंतित हैं। जो हुआ है, जो बाहर से बिहार से आए लोग भागलपुर से, तो बहुत निंदनीय घटना है और सरकार को भी बहुत बार बार घटनाएं होती है, उसमें पूरा ध्यान देना चाहिए सरकार को। दरअसल सुंदर श्याम अरोड़ा पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नुमाइंदे बनकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉलिंग के जरिए पीड़ित परिवार से बातचीत की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। पुलिस ने पकड़ लिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई भी इसको मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी इस केस में होगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द कोर्ट से इसको फांसी मिले। हमारी तरफ से मैम कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हम जो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, जो गवाहों के बयान लिख रहे हैं, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, बट हम बिल्कुल ही एयरटाइट केस तैयार कर रहे हैं। श्याम सुंदर अरोड़ा ने पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। 50-50 हजार रुपए दोनों बेटियों के फिक्स डिपॉजिट के लिए दे दिए गए। परिवार किराए के मकान में रहता है, इसलिए गांव में ही एक प्लॉट दिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश तो की गई, लेकिन परिवार को मुआवजा नहीं, दोषियों को फांसी की सजा चाहिए। मंत्री जी आपके सामने बैठे हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप सामने उनसे कह सकते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप सामने कह सकते हैं। संतोख है लेकिन फांसी का सजा होना चाहिए।
पंजाब के होशियारपुर के इस गांव में 22 अक्टूबर की शाम 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने बच्ची के शव को भी जलाने की कोशिश की थी। यहीं से आरोपी बच्ची को अंदर लेकर गया था और उसके बाद यहीं पर एक क्राइम सीन है जहां पर वो एक भैंसों के लिए जो तबेला बनाया गया जो कमरा है उसी में इस पूरी घटना को आरोपी की तरफ से अंजाम दिया गया और यहीं से बच्ची की आधी जली हुई लाश मिली थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से रेप और हत्या में शामिल दादा और पोते को गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़ित परिवार लड़के के पिता की भी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। हमारी तो यही मांग है, उन दोनों दादा पोता को फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके पिता को भी पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस ने रेप और हत्या के दोनों आरोपी दादा पोते को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है। वहीं इस वारदात के बाद बैकफुट पर दिख रही पंजाब की कैप्टन सरकार ने मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का भरोसा दिलाया है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और दोषियों को सजा मिल सके। होशियारपुर से इंडिया टीवी के लिए गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट।